रणविजय सिंह पर लगा मारपीट करने का आरोप, दोनों पक्ष पहुंचे थाने। झारखंड कांग्रेस प्रदेश सचिव सिजुआ निवासी रणविजय सिंह पर आउटसोर्सिंग कंपनी के लाइजनिंग अधिकारी बाबर अली ने मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। आरोप में बाबर ने कहा कि रणविजय सिंह के समर्थक राजीव कुमार ने एक दिन पहले व्हाट्सएप पर मैसेज कर रणविजय सिंह के आवास पर आकर बात करने को कहा था और आज उसके लोगों ने आवास के सामने रोककर आवास ले गए। उसी वक्त रणविजय सिंह ने आउटसोर्सिंग का काम ना करने की धमकी देते हुए मारपीट की और गाली गलौज करते हुए सोने की चैन छीन ली। जोगता थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। कल से मुझे कॉल किया जा रहा था रणविजय सिंह के द्वारा और उसके आदमी के द्वारा, और फिर व्हाट्सएप में एक मैसेज छोड़ा गया कि सुबह 9 बजे बंगला पे आके मिले। फिर आज प्रातः सुबह को फिर कॉल आया, तो हम मोड़ पे आए हुए थे, फिर वहाँ से कतरास बाजार तरफ जा रहे थे, तो उसके आदमियों ने मुझे वहाँ पर रुका करके अंदर ले चला गया अपना गोकुल ये सिजुआ पे इस आवास पे। फिर वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, उसको लेके गया और कुछ बातचीत की, कुछ बिजली बिजली के बारे में, और उसके बाद फिर हमको साइड में बुलाया। बाकी सारे लोग निकल गए थे और बुला करके गाली गलौज करने लगे माँ बहन का रणविजय सिंह, और मारपीट करने लगे, बोला कि ढेर बड़ा नेता बन गया है, औकात देखो अपना, और मारपीट करने लगे, जिसमें मेरा चेन भी था वो भी नोच लिया गया। बोला कि और फिर पैसा कमा रहे हो, आउटसोर्सिंग के नेता कर रहे हो, नेतागिरी कर रहे, दूर रहो नहीं तो इससे भी बुरा हाल होगा। सरकार मेरा है प्रदेश में, अभी यहाँ का सरकार मेरा है और थाना पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। जो अभी हिल टॉप आने वाली है यहाँ कहाँ पे 22/12 में, उसमें मुझे लाइजनिंग का काम दिया गया है कंपनी द्वारा हिल टॉप। उसके मंशा क्या ये नहीं पता चलेगी, बहुत बेरोजगार है, हम उसके लिए लड़ेंगे और कंपनी भी इंशाल्लाह चलेगी। हाँ, थाना गए, एक अपना एफ आई आर दर्ज कराया। ये अच्छा गुंडागर्दी, तो गुंडागर्दी जरा बंद करें। गुंडागर्दी वहीं रणविजय सिंह के पक्ष से भी उनके समर्थकों ने जोगता थाने में आवेदन देकर किसी सामान की खरीद बिक्री में पैसे नहीं देने का आरोप बाबर अली पर लगाया। साथ ही राजीव ने यह भी कहा कि पैसे मांगे जाने पर बाबर ने पिस्तौल दिखाते हुए पैसे नहीं देने की बात कही। इस बात की मध्यस्थता को लेकर रणविजय सिंह के आवास पर बाबर को बुलाया गया था, पर बाबर ने किसी के बहकावे में आकर राजनीति से प्रेरित होकर रणविजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मामला ये है कि जैसे वो बिजली बिजली काम करता है, उसके लेके कुछ सामान हमसे लिया था, उसका पैसा बाकी था, तो 1-2 महीना से बाकी था, तकादे कर रहे थे, लेकिन आजकल असल कर रहा था। कल हम अपना 7:30 बजे यहाँ जोगता मोड़ से सोनू मेडिकल से अपना बेटे का दवा लेके जाते हैं, तब तक सिजुआ क्लब के बगल में वो मिला हमसे, हम अपना पैसा मांगने लगे, उसी में गाली गलौज करने लगा, हाथ उठा दिया और पिस्टल निकाल के कनपट्टी में सड़ा दिया। उसके बाद हम चुपचाप चले गए, जाके अपना बगल वाले नेता रणवीर सिंह को जाके बोले कि भैया इससे बात है, वो बोले सुबह बुलाओ, हम तुम लोग दोनों को ना समझा बुझा उसको तुम्हारा पैसा दिला देंगे। हम फोन किए बाबर अली को, फोन नहीं उठाया, उसके बाद उसको व्हाट्सएप में मैसेज किए लगभग 9:20 में। फिर सुबह 9 बजे बंगला आया, आना रणवीर सिंह दोनों हम लोग आदमी को समझा दिए, पैसा जो तुम रहा है बाबर इसको दे दो, आना गरीब गरीब आदमी अपना दे दो, बोला ठीक है दे देंगे। गेट से जैसे बाबर बाहर निकला, हम भी निकले, बाबर को तुमको तुम्हारा नेता दो लोग समझ लेंगे। उसके बाद हम अपना ड्यूटी चले गए, उसके बाद ऐसे बात चला कि वो केस कर दिया रणवीर के नाम पर, थाना हम अपना ड्यूटी से हम भी अप्लीकेशन ला के दे दिया थाना में, पर थाना प्रभारी बोले कि जाँच उच होगा उसके बाद कार्रवाई किया जाएगा। सी एस पी में नौकरी करते हैं, CIC कंपनी में। ये जो आरोप रणविजय सिंह पर लग रहा है, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? रणनीति है कि वो मन का बढ़ावा, कोई और सपोर्ट करा उसको, आना कैसे कर दो वैसे कर दो, आना बस यही सब बात हो। कुछ बात है, हमने सामने उतना आदमी से तो सामने से रणनीति से समझाए और वो बाहर निकल बोले मारपीट की, तो गलत बात है। प्रशासन से क्या डिमांड करेंगे, क्या प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन से यही करेंगे कि जो सच्चाई है उसमें न्याय किया जाए, है ना, हमारा जो बकाया पैसा उसे दिलवा दिया जाए। पूरा मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण जोगता पुलिस भी मामले में फूक फूक कर कदम रख रही है। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों मामले में जांच चल रही है, इसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। दोनों पक्षों द्वारा आवेदन दिया गया है, आज का जो मामला था, जांच पड़ताल बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
सामने आवेदन में कुछ विशेष अभी जानकारी नहीं कर सकते हैं, जब तक जांच पड़ताल नहीं की जाए तब तक कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता है। आरोप में एक बाबर अली जो है वो रणविजय जी जो है दोनों आवेदन का जांच चल रहा है, जांच पश्चात उचित कार्रवाई की जाए, उस पर आरोप लगाए कि जांच मांगने के लिए बोला गया है, जो भी है उसके पश्चात ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल पश्चात ही आवश्यक कार्रवाई। और एक राजीव कुमार के द्वारा दिया गया है जिसमें एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़ रेलवे गेट नंबर 1 धनबाद, मोबाइल नंबर 7004067।